ऑन हो गया ठीक, शुरू करें। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पे आपसे बात करने आया हूं। दिल्ली का विकास कैसा हो, दिल्ली में क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, इसका फैसला होता है एक डॉक्यूमेंट से, उसका नाम है मास्टर प्लान। अभी तक दिल्ली में चल रहा है मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021। अब डीडीए के अंदर दो एक महीने से 2041 मास्टर प्लान की तैयारी चल रही है। दिल्ली से, दिल्ली वासियों से डीडीए ने सुझाव मांगे हैं। वो 23 जुलाई को ख़त्म हो रहा था, अब 23 अगस्त तक उसका लास्ट डेट है। लेकिन मैं जिस मुद्दे पे आपसे बात करने आया हूँ वो बहुत संजीदा मामला है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी आबादी है जो अनऑथराइज कॉलोनियों में रहती है। उनके क्या हाल थे केजरीवाल साहब आने के पहले, किस प्रकार से लोग थे वहां, सबको ज्ञात है। हजारों करोड़ों रुपया केजरीवाल साहब ने, चूंकि उनका मानना था कि जिससे हम वोट लेते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे पॉश कॉलोनी में रहे, अनऑथराइज में रहे, स्लम में रहे, उस सबका हक है सरकार से काम लेने का। तो पिछले प्रचलन से हट करके अरविंद जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया कि अनऑथराइज कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाए। अब 2041 जो मास्टर प्लान बना उसमें जमीनी हकीकत से कहीं दूर, आप देखें एक गरीब आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी ताउम्र मेहनत करता है एक आसियाना बनाने में, एक छोटा सा कमरा, दो बेडरूम का फ्लैट, बहुत मेहनत करता है जब अपने बच्चों और परिवार को खाना खिला सकता है। इस बात से बेखबर कि 2041 मास्टर प्लान में कुछ चल रहा है, तो जमीनी हकीकत यह है कि वहां पे हजारों लाखों लोग रह रहे हैं और वहीं भाजपा शासित डीडीए ने मास्टर प्लान के जरिए उनको बेघर करने की ठान ली और उन डेंस इलाकों से जहां का घनत्व बहुत ज्यादा है लाखों लोगों को बेघर करने की ठान ली, उन इलाकों से सड़क निकाल दी। कागज पे, वास्तविकता में ऑन ग्राउंड हजारों घर हैं, लोग रह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने हजारों करोड़ों खर्च करके वहां पे नालियां, गलियां, सड़कें, लाइटें, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, क्या क्या नहीं लगवाया, सीवर, पानी सब कराया। और भाजपा शासित एमसीडी ने, भाजपा शासित डीडीए ने जमीनी हकीकत से दूर कागज पे खींच दिया कि इस कॉलोनी से 100 फुटा रोड जाएगा, इस कॉलोनी से 80 फुटा रोड जाएगा, और मच गई अफरा तफरी हर तरफ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट दिल्ली में होती है हमेशा,
कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी संस्था, कोई जनता के ऊपर कोई तकलीफ दे, रिलीफ लेने पहुंचते हैं लोग अरविंद केजरीवाल जी के पास। जब बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची तो तुरंत मेरे साथ में जो साथी बैठे हैं, करतार सिंह जी जो छत्तरपुर से विधायक हैं और प्रकाश जी जो देवली से विधायक हैं, इन दोनों साथियों के पास लिविंग प्रूफ है कि किस प्रकार से वहां के आया नगर के अंदर जनता इतनी प्रताड़ित हो गई, कई दिनों से खाना नहीं खाए, संगम विहार एम ब्लॉक में इतनी प्रताड़ित हो गई, हर तरफ रोना बिलखना शुरू हो गया कि पता नहीं क्या होगा हमारे घर के साथ। मेरे दोनों विधायक साथियों ने ये बात माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेके आए और माननीय मुख्यमंत्री ने सोमनाथ भारती यानी मुझे ये ड्यूटी दिया कि हमारे रहते दिल्ली में ऐसी अफरातफरी कैसे मच सकती है भैया। चूंकि डीडीए में मैं सदस्य हूं, अथॉरिटी मेंबर हूं, उस हैसियत के नाते मैंने इस मुद्दे को अपने हाथों में लिया, क्षेत्र में गए, जनता से बात किया, तब जाके जब जनता ने यह सुना कि हमारी मुसीबत केजरीवाल जी तक पहुंच गई है तो उनकी जान में जान आई। यह संभव है कि दिल्ली में ऐसे कई इलाके और होंगे जहां के मास्टर प्लान 2041 के मार्फत भाजपा इन गरीब लोगों की आशियाने को उजाड़ रही है, संभव है। आने वाले दिनों में ऐसे और कॉलोनियां आगे आएंगी, ऐसे और लोग आगे आएंगे जो कि इस बात के लिए चिंतित हो जाएंगे। मैं उन कॉलोनी में गया, उनके आंसू देखे, उनकी मुसीबतें देखें, और अब मानेंगे नहीं, जब से केजरीवाल जी ने पैसे खर्च किए हैं वो कॉलोनियाँ किसी अच्छे कॉलोनी से जो रेगुलराइज्ड है, जो ऑथोराइज्ड है, उससे कम नहीं दिखती, उससे कम नहीं दिखती कॉलोनियाँ। चूंकि मेरे विधायक साथियों ने, दिल्ली सरकार ने खूब परिश्रम किया उन कॉलोनियों के लोगों को आबाद करने के लिए, तो मैं आज आपके मार्फत इस बात को दिल्ली के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं जो आज मास्टर प्लान 2041 के कारण जिनका आशियाना खतरे में है, और कहना चाहता हूं कि भाजपा इस तरह की हरकतें बंद करे। मास्टर प्लान 2041 जनता की जरूरतों को देख के बनाई जाए, और जहां कहीं इस प्रकार से सड़कें उकेरी गई हैं कागजों पे, जिसके कारण जनता के हृदय की गति बढ़े जा रहे हैं, गरीब आदमी मरा जा रहा है, उस सारे सड़कों को आबादी क्षेत्र से हटाया जाए, उन सारे स्कीमों को उन क्षेत्रों से जहां जनता बहुसंख्या में रहती हैं वहां से हटाया जाए, ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढा जाए, जो करना है करिए, लेकिन एक भी व्यक्ति का दिल्ली में हम घर टूटने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी का साफ साफ आदेश है, किसी गरीब का, किसी मुजलूम का, किसी मजबूर का, एक भी व्यक्ति का हम घर टूटने नहीं देंगे। और इसके लिए भाजपा सीधी तरह मान ली तो ठीक है, नहीं तो अगर आंदोलन करना पड़ा तो उससे भी हम नहीं चूकेंगे। जनता है
तो हम हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पूरी जिंदगी इसी काम में लगी है कि किस प्रकार से उन साथियों को उनका हक दिलाया जाए जिनसे आज तक हक उनका दूर रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे साथी पहले करतार जी फिर प्रकाश जी अपने अपने क्षेत्रों के बारे में जो मैंने बातें रखी हैं आपके सामने उसको उदाहरण के साथ आपके आगे रखें। धन्यवाद भारती जी। अभी हमारे वरिष्ठ साथी विधायक पूर्व मंत्री और डीडीएम सदस्य सोमनाथ भारती ने बड़े ही विस्तार से सारी बातें आपके बीच में रखी हैं और ये सच्चाई है, बहुत बड़ी हकीकत है कि ऐसे लोग जो जीवन में मुश्किल से एक बार घर बना पाते हैं उनके घरों को इस तरह से आज बर्बाद करने का प्लान डीडीए ने भाजपा ने बनाया है। जब ये बात हमें पता चली कि इस तरह से कुछ रोड आयनगर की कॉलोनी से 2-3 रोड इस तरह से निकाल दिए हैं और उसमें कोई 10-20 नहीं हजारों मकान उसके अंदर टूटते हैं, लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं। मैंने सीएम साहब से बात की कि इस तरीके से बहुत बड़ा अन्याय ये मास्टर प्लान के जरिए जो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएट सोमनाथ भारती जी को बुलाया और बुला के उनको बोला कि आप जाकर देखिए और इस बात को आप डीडीए में रखें क्योंकि आप डीडीए में सदस्य हैं। सोमनाथ जी अगले ही दिन मौके पे गए, पूरा मुआयना किया और उसी दिन सभी लोगों को बता के आए कि ये बहुत बड़ा अन्याय आपके साथ जो डीडीए करने जा रही है, हम इसको नहीं होने देंगे। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, आज डीडीए की मीटिंग थी और सोमनाथ भारती जी ने बड़े जोर से बात को रख दिया है कि आप मास्टर प्लान को चेंज कीजिए, एक भी घर आया नगर में या कहीं भी पूरी दिल्ली में इस वजह से नहीं टूटने देंगे कि मास्टर प्लान में डीडीए और भाजपा वहाँ से रोड निकालना चाहती है। उसके लिए बहुत जगह पड़ी है, अल्टरनेट रूट उसका देखा जाए। आया नगर में बहुत सी अभी खाली ज़मीनें पड़ी हैं जहाँ डीडीए की प्लानिंग है, उससे बेटर रोड वहाँ से निकल सकते हैं और डीडीए के अधिकारी चाहें हमारे साथ चलें, क्षेत्र में सर्वे करें, हम उनके साथ रहेंगे और उससे बढ़िया उनको अल्टरनेट बताएंगे और ये डीडीए की जिम्मेदारी बनती है। और मुख्यमंत्री जी ने यही बात उस दिन कह दी थी जो अभी सोमनाथ भारती जी हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं एक भी मकान किसी का इस बहाने से गरीब का नहीं तोड़ने देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि माननीय पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती जी, माननीय विधायक करतार सिंह जी, इन्होंने बताया कि डीडीए ने किस तरह भाजपा के दबाव में उन गरीब लोगों के आशियाने पे सड़क बनाने का फैसला किया जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आपने मास्टर प्लान 2021 बनाया था डीडीए ने, उसमें भी वो सड़क नहीं थी। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने दिल्ली में छतरपुर से लेके देवली, संगम बिहार, तमाम ऐसी अनऑथराइज कॉलोनियों के गरीब लोगों के घरों पे आपने सड़कें निकाल दी, लोगों को नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खा रहे हैं। जब ये बात मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बताई, सोमनाथ भारती जी को बताई, इन्होंने कल मौके पर आकर एम ब्लॉक संगम बिहार वहाँ सर्वे किया, देखा कि 40 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं और मलकियत ज़मीन है, कोई फॉरेस्ट की ज़मीन नहीं है। लोगों ने पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी मेहनत से वो आशियाना ख़रीदा और उसे बनाया और उस पर एक ऑर्डर आ जाता है कि आप यहाँ पर
सड़क बनाने जा रही है डीडीए, जिसका हम विरोध करते हैं। अगर आपको रोड बनाने के लिए, जैसा करतार जी ने बताया, और भी रोड हैं, बांध रोड इनके इधर भी हैं, बांध रोड देवली संगम बिहार में भी है, इन पे रास्ता निकालिए ना। आप वहाँ के जो विधायक हैं, क्षेत्रीय जो नेता हैं या RW है, उनसे पूछिए कि भी मास्टर प्लान DDA बनाना चाहता है, क्या सहूलियत आपको चाहिए। ये थोड़ी ना कि आप एक वेबसाइट पे डाल दो कि यहाँ से सड़क निकलेगी और आपके मकान का रजिस्ट्री बंद, आपके मकान का पानी बिजली सब बंद करने जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। DDA को, मैं तो DDA के बारे में आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, आज सोमनाथ भारती जी ने भी इसका विरोध किया LG साहब की मीटिंग में, DDA की मीटिंग में। जो DDA को करना चाहिए वो DDA नहीं कर रहा है। DDA को सड़क निकालनी है तो क्षेत्रीय विधायक से पूछे, DDA के मेंबर जाएं, DDA के अधिकारी जाएं, देखें कि भाई यहाँ सड़क निकलने चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आप लोगों के घरों पे तो निकालना ठीक नहीं है। एक दूसरा विषय और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो DDA भाजपा के माध्यम से जो लोगों पे कर रहा है, जो इलीगल काम हो रहे हैं, ग्राम सभा जमीन, अभी वो करतार जी के दरबार छतरपुर में रिवेन्यू से हैंडओवर हो गई है, DDA को हैंडओवर हो गया है। अब कई ऐसे केसेस आए हैं कि जो भू माफिया है, उन्होंने ग्राम सभा जमीनों को भी आपका PM उदय के नाम से रजिस्टर कर दिया और उसकी रजिस्ट्री आपके कंसर्न जो रिवेन्यू विभाग के SDM उन्होंने कर दी। तो ये तमाम काम जो DDA को नहीं करने चाहिए, वो काम DDA, भाजपा DDA के माध्यम से करा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और जनता ने जो सरकार चुनी, अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार चुनी और उसके जो विधायक चुने, वो इतने कमज़ोर नहीं हैं कि कोई भी आएगा और गरीब लोगों के आशियानों पे सड़क बना जाएगा। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। तो बस ये सोमनाथ भारती जी, इन्होंने विशेष कल देवली में आकर संगम बिहार के लोगों को जो आश्वस्त किया, मैं उसके लिए इन्हें भी धन्यवाद करता हूँ और इसका हम विरोध करते हैं जी। धन्यवाद। ये जैसा आपने सुना दोनों साथियों से, उनके क्षेत्र में किस प्रकार से अफरा तफरी है, आज DDA की अथॉरिटी मीटिंग थी, उस मीटिंग में दो मुद्दे उठे हैं जिसका मैं अलग से उल्लेख करूंगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के तरफ से इस मुद्दे को माननीय LG साहब को हमने बकायदा साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मास्टर प्लान के माध्यम से जो पूंजीपति के हाथों में भाजपा खेल रही है, इसको हम दिल्ली में नहीं होने देंगे। 100 फुटा सड़क, 80 फुटा सड़क जो आबादी से निकालना चाहती है, इसे हम नहीं होने देंगे। और हमने वार्निंग दिया है कि मास्टर प्लान को अमेंड करें और पूरे दिल्ली में ऐसा कोई इलाका हो जहां की आबादी से सड़क निकल रही हो तो उसे तुरंत बदला जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी आंदोलन पे उतर आएगी। मेरे हाथ में ये देखिए, लोगों ने साइन कर करके दिया है, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी उनकी मजबूरी रही होगी। ये सारा साइन मुझे एक दिन में मिला है, हजारों लोगों ने नाम, एड्रेस, फोन नंबर, प्रूफ के साथ। हम कब से रह रहे हैं, 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं वहां, और इनके आंसू नहीं दिखते, इनकी समस्याएं उनको नहीं दिखती। तो ये आपके माध्यम से पूरी दिल्ली को कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आया नगर छतरपुर हो या M ब्लॉक संगम बिहार हो, वहां के साथियों को मैं पर्सनली जाके बोल के आया हूं, आश्वस्त करके आया हूं कि अरविंद केजरीवाल आपके हकों के लिए 24 घंटा खड़े हैं और आपके घरों को 1 इंच भी क्षति नहीं पहुंचने देंगे। इसी प्रकार से दिल्ली में कहीं भी अगर हो रहा हो, किसी का भी घर, किसी का भी कॉलोनी अगर आ रहा हो मास्टर प्लान के तहत, तो सभी आश्वस्त रहें,
कि उनके घर को भी हम कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे। धन्यवाद। कुछ सवाल? एक और इसी में देख लें कि भाजपा जो वादावादी कर रही थी कि अनऑथोराइज कॉलोनी की रजिस्ट्री हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, याद होगा आपको जब केजरीवाल जी ने हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च किया, तो आज कहाँ गए भाजपा वाले? जो लोगों के आस्याने उजड़ रहे हैं तो कहाँ हैं वो लोग? इनको सिर्फ दिखावे से है, वास्तविकता में इनके पास कोई दिल नहीं है गरीबों के लिए, कोई दिल नहीं है मुस्लिमों के लिए, जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो दिल्ली में कमाने खाने आए हैं, उनके लिए कोई इनके दिल में जगह नहीं है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उनको वार्निंग देना चाहते हैं, इस प्रकार के काम करेंगे तो इस वक्त तो उनके पास 8 सीटें हैं, ये भी जाएंगी, MCD भी जाएगी, जो जनता का नहीं, जनता बहुत स्मार्ट है, जनता जानती है कौन उसका है। साथियों, एक और मुद्दा है, आ चुकी LG मीटिंग थी और LG साहब के सामने एक एजेंडा था, एजेंडा फॉर डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट। किस प्रकार से देखिए पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। आइटम नंबर 73/2021, एजेंडा फॉर डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स फॉर सेटिंग अप इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस। उसके आगे लिखा हुआ है कि इट इज प्रपोज्ड टू अलॉट द लैंड फॉर सेटिंग अप ग्रिड स्टेशन एंड गिविंग लैंड डायरेक्टली टू डिस्कॉम्स इंस्टीड ऑफ पावर डिपार्टमेंट GNCTD। मतलब अभी तक दिल्ली में, चूंकि आपको पता है जिनके हाथों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की ड्यूटी है दिल्ली में, वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कहां से आते हैं। इस वक्त अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को किसी काम के लिए दिल्ली में जगह लैंड चाहिए तो उसके लिए उनको जो हमारी पावर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की, उनको लिखना पड़ता है और पावर डिपार्टमेंट फिर DDA को लिखती है, तो DDA सैंक्शन करती है पावर डिपार्टमेंट को और पावर डिपार्टमेंट उनको लीज आउट करता है डिस्कॉम्स को। अब ये आज इस प्रकार की दुस्साहस के चुनी हुई सरकार को हटा करके सीधे डीलिंग करें किससे, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, मतलब दिल्ली की जनता की जमीन आप सीधे सीधे दी जाएगी प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, उन्हीं पूंजीपतियों को, जो अगर केजरीवाल जी नहीं होते तो पता नहीं बिजली का दाम कहां से कहां पहुंचा देते। तो आज इसका हमने निंदा की और इसको रुकवाया। जब एली साहब के सामने पूछा ऑनरेबल VC से, वाइस चेयरमैन से, कि क्या आपने इस एजेंडा को लाने के पहले दिल्ली सरकार से पूछा कि भाई हम आपको हटाने जा रहे हैं और सीधे सीधे कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसको हम लैंड देंगे, तो उनका कहना था कि नहीं, हमने नहीं पूछा। इसी कारण से दिलीप पांडे जी और मैं, हम दोनों DDA के मेंबर हैं, दिल्ली विधानसभा ने भेजा है तो दोनों ने अपनी अपोजिशन जाहिर की और हमारी बात को मानते हुए उन्होंने इस आइटम को आज डेफर कर दिया। लेकिन वार्निंग देना चाहता हूं कि चुनी हुई सरकारों के अधिकारों को छीनने की जो प्रक्रिया भाजपा LG के माध्यम से कर रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है और ऐसा कोई भी प्रयास किसी भी पार्टी को, सबको निंदा करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी बचेगी तो हम सब बचेंगे, पार्टियों से ऊपर है ये।
लेकिन केजरीवाल जी की सरकार को, हमारी सरकार को हमेशा ये कमज़ोर करने के फिराक में भाजपा लगी रहती है। उसका आज एक उदाहरण मैंने आपको और दिया है। भाजपा को वार्निंग देना चाहता हूं, इस प्रकार की हरकतें ना करें। और चोर दरवाजे से एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली पर शासन करने का व्रत ना करें। ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की बेइज्जती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? इस आइटम को ड्रॉप किया गया और कहा गया कि जी जो मैंने बात कही कि अगर दिल्ली सरकार से बगैर बातचीत किए कैसे आप इसको ले भी आए, सो दे उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ये गलती तो है।